मित्रों, समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील होते हैं, इसलिए अच्छे समय में कभी भी अहंकार नहीं करना, कठिन समय में कभी भी ज़्यादा चिंता मत करना, क्योंकि याद रखना मित्रों, दोनों बदलेंगे जरूर। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के बारे में। कन्या राशि वालों को राहु के राशि परिवर्तन के क्या परिणाम मिलेंगे? राहु का राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर 2023 को हो रहा है और उसके क्या परिणाम कन्या राशि वालों को मिलेंगे, इसकी चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप कन्या राशि वालों के राहु के राशि परिवर्तन की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है, वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है, वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है, वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। कन्या राशि के जो स्वामी हैं वो बुध हैं, और कन्या राशि वाले जो होते हैं थोड़े रिजर्व स्वभाव के लोग होते हैं, दुनिया से ज़्यादा मतलब नहीं रखते, अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। और ये जो कन्या राशि वाले लोग होते हैं, ये झूठ बोलना ज़्यादा पसंद नहीं करते। कम ही लोग होते हैं कन्या राशि वाले जो झूठ बोलते हैं, वरना झूठ बोलने वालों से नफरत करते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं। और इनकी नज़र से जो एक बार उतर गया तो फिर लाख कोशिश के बावजूद वो इनके करीब नहीं हो सकता, फिर चाहें ये उसको माफ़ कर भी दें, फिर भी वो इनके करीब नहीं होता है। इनके अंदर हमेशा एक संघर्ष चलता रहता है, इनके मन में हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता है, लेकिन दिखने में आपको एकदम शांत लगेंगे, किसी को पता नहीं चलने देते हैं। ये लोग दुखी रहकर भी दूसरों को सुखी देखना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं। घर परिवार पर इनका ध्यान बहुत ज़्यादा रहता है, कभी किसी को गलत सलाह नहीं देते हैं, और किसी को कोई नुकसान हो जाए ऐसी सलाह तो कभी नहीं देंगे। प्रत्येक रिश्ते को सच्चाई के साथ निभाना जानते हैं, आसानी से क्रोध नहीं करते हैं, लेकिन जब क्रोध आता है तो ज़्यादा आता है। प्रेम के मामले में सच्चे साथी होते हैं, अपने जीवन साथी को सब कुछ मानते हैं, अपने जीवन साथी को सदा खुश देखना चाहते हैं, और सीधे तौर पर कहें तो ये प्रेम निभाना जानते हैं, जिससे प्रेम करते हैं उसको सदा खुश रखने की कोशिश करते रहते हैं। चलिए मित्रों, जानते हैं राहु का राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर 2023 को हो रहा है और ये आपको क्या परिणाम देंगे, और ये 30 अक्टूबर 2023 से लेकर मई 2025 तक यहाँ पर रहेंगे। कन्या राशि वालों के सप्तम भाव में रहेंगे, मीन राशि में रहेंगे। इससे पहले आपके अष्टम भाव में इनका गोचर चल रहा था, मेष राशि में चल रहा था। 30 अक्टूबर 2023 को ये मीन राशि में आ जाएंगे और फिर मई 2025 में फिर से राशि परिवर्तन करेंगे। तो यहाँ पर जब सप्तम भाव में रहेंगे तो आपको गोचर में क्या परिणाम देंगे, इसकी चर्चा कर लेते हैं। मित्रों, राहु जो हैं सदैव बकरी चाल चलते हैं और लगभग 1.5 वर्ष यानी लगभग 18 महीने के समय के लिए एक राशि में रहते हैं, उसके बाद ये अपना राशि परिवर्तन करते हैं। राहु को शनिवत राहु भी कहा जाता है, क्योंकि ये शनि के समान ही फल देने वाले होते हैं। और यहाँ पर हम राहु का गोचर जो 30 अक्टूबर 2023 को हो रहा है और फिर ये दोबारा से मई 2025 में राशि परिवर्तन करेंगे, तो इतने समय के लिए राहु जो है मीन राशि में रहेंगे और राहु मेष राशि से निकलकर मीन राशि में अपना गोचर 30 अक्टूबर 2023 को प्रारंभ करेंगे और मई 2025 में फिर से राशि परिवर्तन करेंगे। राहु के बारे में अगर हम बात करें तो राहु जो है व्यक्ति के जीवन में कई बार भ्रम फैलाने का कार्य भी करते हैं, यानी व्यक्ति जो है भ्रमित हो जाता है। लेकिन जिन लोगों को राहु की कृपा मिल जाए तो वे राजनीति और कूटनीति क्षेत्र में भी माहिर बनते हैं, लेकिन राहु जो है ना बहुत जल्दी रूप बदलने वाले होते हैं, तेज बुद्धि वाले होते हैं, व्यक्ति को भ्रमित भी कर सकते हैं और तत्काल प्रभाव देने वाले ग्रह हैं। रातों रात व्यक्ति को अमीर भी बना सकते हैं, लेकिन ये जीवन में झूठी आशाएं और अंधविश्वास भी दे सकते हैं। राहु कुंडली के जिस भाव में होते हैं उसके प्रभाव में तत्काल वृद्धि करते हैं, तो अगर वो शुभ फलदायक हैं तो शुभ फलों में बढ़ोतरी करेंगे, और अगर अशुभ हैं तो अशुभ प्रभाव में बढ़ोतरी भी करेंगे। राहु की ये विशेषता है, और ये जिस ग्रह के साथ कुंडली में स्थित हों, जिस ग्रह का प्रभाव इन पर आ रहा हो, दृष्टि आ रही हो, जिस राशि में हों उसके अनुसार व्यवहार करने लगते हैं। अब आपकी कुंडली में राहु की क्या पोजिशन है, किस स्थिति में है, उसी तरह से आपको ये फल देंगे। अगर स्थिति अच्छी है इनकी, यानी अच्छी पोजिशन में है, तो परिणाम भी अच्छे मिलेंगे, और अगर स्थिति अच्छी नहीं है तो परिणाम भी अच्छे नहीं मिलेंगे। सप्तम भाव में कन्या राशि वालों के राहु का गोचर होगा और सप्तम भाव जो है व्यापारिक पार्टनरशिप का भी भाव है, व्यापार कारोबार भी यहाँ से देखते हैं,
और अगर हम देखें तो वैवाहिक जीवन भी यहाँ से देखते हैं, और आपका किसी भी प्रकार का कोई भी पार्टनर है तो उसको भी यहाँ से देखते हैं। तो सप्तम भाव में जो राहु का गोचर है, ये आपको अगर हम देखें तो 30 अक्टूबर 2023 से और मई 2025 में राशि परिवर्तन करेंगे, तो यहाँ तक के समय में आपको अपने पार्टनर के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखनी होगी, किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचना होगा। और मई 2024 से पहले का जो समय है, 1 मई 2024 को जो सप्तम भाव के स्वामी गुरुदेव हैं वो आपके नवम भाव में वृषभ राशि में गोचर करेंगे, और उससे पहले तो वो मेष राशि में अष्टम भाव में रहेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 मई 2024 से पहले का जो समय है वहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। आप अपने वैवाहिक संबंधों में ईमानदार रहें, अपने जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचकर रहें, इस बात का ध्यान रखकर चलें। और जीवन साथी के साथ अगर किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद चल रहा है और उसको आप सुलझाना चाहते हैं, समझौता करना चाहते हैं, अप्रैल के बाद अगर आप प्रयास करते हैं तो ज़्यादा अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। 1 मई 2024 के बाद का समय थोड़ा सा आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन राहु के गोचर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो राहु का गोचर आपको सप्तम भाव में अच्छे परिणाम बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं देगा। यहाँ पर अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु की पोजिशन बहुत अच्छी है और आपकी दशांतर दशा भी काफ़ी अच्छी चल रही है तो आप सामान्य परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं। और अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु की पोजीशन भी अच्छी नहीं है और दशांतर दशा भी अच्छी नहीं है तो आपको परिणाम बिल्कुल भी अच्छे नहीं मिलने वाले हैं, आप में तनाव की अधिकता भी बनी रहेगी। वैवाहिक संबंधों में छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे पर गलत फहमियाँ और शंकाएँ कर लेंगे और आरोप प्रत्यारोप करते हुए नजर आएंगे, इसलिए अपने जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखें और किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने से पहले अपने जीवन साथी की बातों को भी सुने, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। व्यापारिक पार्टनरशिप में आप अपने पार्टनर से कोई भी वाद विवाद से बचकर रहें, अगर आप वाद विवाद करेंगे तो वो वाद विवाद ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। आपको अपने पार्टनर पर ध्यान भी देना होगा, नहीं तो वहाँ पर आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, यानी कि शंकाओं के चलते आप दोनों वाद विवाद कर सकते हैं या फिर एक दूसरे को धोखा भी दे सकते हैं। व्यापार कारोबार और धन और आय के मामले में भी अचानक लाभ और अचानक हानि के योग बनेंगे इस गोचर के दौरान, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान रखकर चलें। धन के मामले में बजट बनाकर चलना आवश्यक होगा आपको, और व्यापार कारोबार में भी किसी भी प्रकार का विस्तार अगर करते हैं तो सोच समझकर विस्तार करें, नहीं तो वहां पर आपको नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। पारिवारिक जीवन में घर के बुजुर्गों के साथ संबंध मधुर रखने आवश्यक होंगे और अपने घर के बुजुर्गों के साथ किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचकर रहें, तालमेल बनाना आवश्यक रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में अगर पेट से संबंधित कोई भी स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो वहाँ पर कोताही बिल्कुल ना बरतें, नहीं तो आप देखेंगे कि स्वास्थ्य के मामले में आपको समस्याएं हो सकती हैं। तो स्वास्थ्य के मामले में अगर कोई भी समस्या होती है तो डॉक्टर से परामर्श लें, और पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो उसका आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचकर रहें। शिक्षा के मामले में भी एकाग्रता बनाकर रखनी होगी, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। बार बार एकाग्रता आपकी भंग होती रहेगी, इसलिए शिक्षा के मामले में एकाग्रता बनाकर रखें। अगर विदेश में जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए तो समय अच्छा है, आप प्रयास कर सकते हैं, आपको सफलता मिल सकती है। और जो लोग विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। प्रेम संबंधों में भी अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचकर रहें, वरना वहाँ पर भी आपके तालमेल खराब हो सकते हैं। वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध दोनों जगह रोमांटिक समय रहेगा, रोमांस ज़्यादा रहेगा, आप अपने साथी के साथ समय भी गुजारेंगे, लेकिन शंकाएँ और गलतफहमियाँ भी जल्दी जल्दी हो सकती हैं। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए मई 2024 से जो समय रहेगा वो ज़्यादा अच्छे परिणाम दिखाएगा। हालांकि अविवाहित लोगों के लिए रिश्ता आपका जो है 30 अक्टूबर 2023 के बाद भी हो सकता है। राहु सप्तम भाव में रिश्ते तो करा सकते हैं, आपकी शादी की बात बन सकती है, लेकिन जो भी शादी की बात आप पक्की करें पहले उस रिश्ते के बारे में जाँच परख करना आवश्यक है। लेकिन जो लोग शादी योग्य हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, उनको मनपसंद रिश्ता मिल सकता है और शादी की बात बन सकती है। और आप देखेंगे कुछ कन्या राशि वाले ऐसे होंगे जिनकी शादी की बात भी बनेगी और कुछ की शादी भी होगी। तो अविवाहित लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा, राहु का गोचर सप्तम भाव में अच्छे परिणाम देगा और 1 मई 2024 से तो ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे वैवाहिक संबंधों के मामले में अविवाहित लोगों के लिए। राहु का गोचर कुछ इस तरह के परिणाम दे सकता है। कन्या राशि वालों को उपाय की बात करें, बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं और प्रत्येक बुधवार को खिलाएं, बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, आज मैंने आपसे कन्या राशि वालों के राहु के राशि परिवर्तन के क्या परिणाम मिल सकते हैं वर्ष 2023 में। 30 अक्टूबर को जो राशि परिवर्तन हो रहा है, मई 2025 तक ये रहेगा, मई 2025 में राशि परिवर्तन फिर से करेंगे राहु, तो यहाँ तक आपको क्या परिणाम मिलेंगे इसके बारे में कुछ चर्चा की। और कन्या राशि वालों के लिए राहु के गोचर का राशिफल, ये सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है।
आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।